सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कटिंग स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है और सेंटर कट कैसे छोड़ा जाता है। ये हमने सेंटर कट रखा हुआ है। अब जो ये हमारी दूसरी वीडियो होगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इस डिजाइन को तैयार करते हैं सेंटर कट वाले को। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पाइपिंग ली हुई है, ये हमारी दोनों साइड में पाइपिंग लगेगी और यहाँ पे कुछ पोटली बटन लगा करके मैं दिखाऊंगा। और ऊपर की साइड हम सिंपल नेकलाइन बनाएंगे राउंड शेप वाली। तो दोस्तों, इसके लिए हम मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं इस डिजाइन को बनाने का तरीका। तो दोस्तों, स्टिचिंग में हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले पाइपिंग का काम करते हैं। तो जितना हमने यहाँ पे ये मार्जिन लिया हुआ है, इतना ही हम गैप रखते हैं पाइपिंग लगाने के लिए। ये वाला, ये हमने कटिंग किया हुआ है एक्स्ट्रा। यहाँ पे दोस्तों बराबर मार्जिन रखते हुए इस तरीके से रखते हैं हम पाइपिंग वाली पट्टी। पाइपिंग हमने पहले से ही निकाली हुई है और यहाँ पे ऐसे इसको अटैच करते चलेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान देना है पाइपिंग की हमारी पूरी फिनिशिंग रहे इस तरीके से। जब पलट के सीधी साइड आएगी तो ऐसे हम पाइपिंग ये नीचे तक निकालेंगे। एक फ्रंट में हमने, एक साइड का जो फ्रंट होता है इसमें पाइपिंग यहाँ पे लगा ली है, दूसरी साइड का हमारा ये फ्रंट रहेगा। तो सेम इसी तरीके से इसमें भी हम यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। पाइपिंग दोस्तों हमने इस तरीके से यहाँ पे दोनों साइड में लगा ली है। तो सेंटर की पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें ये जो दोनों आपस में ज्वाइंट करने होते हैं, तो सबसे पहले हमें जितना चौक रखना होता है, जैसे हमने यहाँ पे 14 इंच का चौक रखा है तो यहाँ पे हमने निशान लगाना है नीचे से। और एक पट्टी लेनी है जो कि हमें एक साइड में ज्वाइंट करनी है। यहाँ पे एक पट्टी हमने ये ली है, ये हम एक साइड में यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ऐसे रखेंगे इस तरीके से, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए जोड़ेंगे। एक साइड हमने ये पट्टी जोड़ ली है, अब हम इसी पट्टी में दूसरी साइड का फ्रंट ज्वाइंट करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जो हमने गला डीप रखना है किस पॉइंट तक रखना है, क्योंकि हमें लगाने हैं यहाँ पे पोटली बटन। यहाँ पे ये हमारी नेकलाइन है जो हमने कटिंग की हुई है, तो हम इस पॉइंट पे निशान लगा लेते हैं। इससे आधा इंच नीचे हम पोटली बटन की शुरुआत करेंगे। जोड़ने की शुरुआत ऊपर से ही करते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये हमारे पास पोटली बटन है, अब हम एक एक करते हुए यहाँ पे ऐसे रखते जाएंगे।
तीन पोटली बटन हमने इकट्ठे रखने हैं इस तरीके से और यहां पे अटैच करेंगे। अब हम हल्का गैप रखेंगे और फिर से यहां पे तीन पोटली बटन रखेंगे ऐसे ही। गैप का ध्यान रखें, बराबर रखें, जितना भी हमने सभी पोटली बटन में रखना होता है वो आपकी इच्छा है, कम ज्यादा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने तीन जगह पोटली बटन लगा दिए हैं बराबर गैप रखते हुए, बाकी हम नीचे तक सेम इसी तरीके से बराबर गैप रखते हुए पोटली बटन अटैच करेंगे। तो दोस्तों पोटली बटन हमने कर लिए हैं कंप्लीट नीचे तक और यहाँ से हमारा चाकचूर रह जाएगा। पोटली बटन हमने काफी से यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर आप और नीचे तक लगाना चाहते हो तो नीचे तक भी लगा सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे सिंपल नेक लाइन तैयार करना बाकी रह जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपल नेक जैसे नॉर्मल किया जाता है तैयार, इस तरीके से इसको तैयार कर लेते हैं। फिर मैं आपको पूरा फ्रंट कटिंग टेबल पे बिछा के दिखाऊंगा कितना खूबसूरत सा हमने यहाँ पे डिजाइन तैयार किया है। तो दोस्तों नेक लाइन हमने कर ली है यहाँ पे तैयार, सिंपल सी राउंड नेक हमने यहाँ पे तैयार की है और आप देख ही रहे होंगे बहुत ही प्यारे से यहाँ पे हमने पोटली बटन और पाइपिंग के साथ में डिजाइन तैयार किया है। और सेंटर कट की बात करें तो सेंटर कट के साथ साथ हमने पाइपिंग भी लगाई है और यहाँ पे नीचे की साइड हमने स्लिट्स भी रखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। तो मैचिंग करते हुए हमने पाइपिंग लगाई है यहाँ पे और पोटली बटन लगाए हैं और बहुत ही सुंदर सी कुर्ती का डिजाइन आपको बना करके दिखाया है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।